नमस्कार, मैं हूं पंडित नरेश नाथ। आज के इस एपिसोड के द्वारा मैं आपको तलाक रोकने के उपाय बताऊंगा। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में तलाक शब्द आपको हमारे शब्द कोश में देखने को नहीं मिलेगा। सनातन संस्कृति में विवाह 7 जन्मों का संबंध माना जाता है। 16 संस्कारों में से विवाह भी एक मुख्य संस्कार माना जाता है, परंतु पश्चिम जगत की जीवन शैली से प्रभावित होकर आज हमारे समाज में विवाह से अधिक केस कोर्ट कचहरी में तलाक के चल रहे हैं। तलाक का मुख्य कारक ग्रह सूर्य, मंगल, राहु और शनि होते हैं। वैसे तो जब कोई ग्रह अनिष्ट करने पर आए तो वह चाहे सौम्य ग्रह ही क्यों ना हो, वह भी अनिष्ट कर ही देता है, चाहे वो चंद्र या गुरु ही क्यों ना हो। ज्योतिष शास्त्र में लाल किताब में तलाक होने के कारण के साथ साथ तलाक ना होने के उपाय भी बताए गए हैं। सर्वप्रथम रुद्र अवतार हनुमान जी की पूजा का विधान सभी शास्त्रों में मिलता है। जिस प्रकार से हनुमान जी ने सिया राम को मिलाया था, ठीक उसी प्रकार से विवाह में आ रही सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करने के लिए हनुमान जी की पूजा सर्वोत्तम मानी जाती है। हनुमान जी को नवग्रह का आशीष प्राप्त है। हनुमान जी की पूजा करने से नवग्रह दोष दूर हो जाते हैं। आपकी कुंडली में यदि शनि, राहु, सूर्य, मंगल की दशा चल रही हो या कोई अनिष्ट योग बन रहा हो तो हनुमान जी की पूजा से जटिल समस्या का समाधान हो जाता है। यदि पति पत्नी के मध्य में कलह इस कदर तक बढ़ गया हो कि तलाक पर बात आ पहुंची हो तो उसे निपटाने के लिए रात को सोते समय अपना सराना, अपना तकिया पूर्व दिशा की तरफ रखें। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है और पति पत्नी के बीच पुनः शांति स्थापित होती है और वैवाहिक जीवन सुखी होता है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य नीच का है या सूर्य अशुभ फल दे रहा है, अशुभ योग बना रहा है, तो प्रातः उठकर हर रोज सूर्य को अर्घ दें। सूर्य के आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, नारायण के मंत्रों का जाप करें, इससे तलाक की स्थिति टल जाती है। भगवान शिव की आराधना करने से शंभु प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों में सुखी वैवाहिक जीवन के लिए गौरी शंकर की पूजा करना सबसे महत्वपूर्ण उपाय बताया गया है। तलाक से बचने के उपाय। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पंचम और सप्तम भाव में बैठे द्वादेश पंचम और बारहवें भाव में बैठे सप्तमेश से राहु की युक्ति होने पर तलाक की स्थिति बनती है। अगर सातवें घर पर पाप ग्रह की दृष्टि हो या पाप ग्रह वहां पर बैठा हो, चंद्र केतु का ग्रहण योग बन रहा हो या सूर्य राहु का ग्रहण योग बन रहा हो तो तलाक के योग बनते हैं। सातवें घर में सूर्य शनि की कुदृष्टि हो जाए तो भी तलाक होता है। यदि हमारे कुंडली में इनमें से कोई भी अशुभ योग बनता है तो तलाक का मुख्य कारण होता है। यदि किसी की कुंडली में तलाक के योग बन रहे हों तो उसके बचने के लिए ज्योतिष शास्त्र में निम्न उपाय बताए गए हैं। यदि कुंडली में तलाक का मुख्य कारक राहु बन रहा हो तो 7 शनिवार तक दक्षिणमुखी हनुमान जी के मंदिर में उल्टी परिक्रमा करें 7 बार। ऐसा करने से आपको इस समस्या से अवश्य ही निजात मुक्ति प्राप्त होगी। शनि के कारण यदि तलाक का योग बन रहा हो तो हनुमान जी के मंदिर में प्रत्येक शनिवार गुड़ और चने का भोग लगाएं। इस प्रसाद को आप काली गाय को भी खिला सकते हैं। ऐसा करने से निश्चय ही कुंडली के दोष समाप्त होंगे और पुनः प्रेम संबंध स्थापित होंगे। सूर्य के कारण यदि तलाक की स्थिति बन रही हो तो हनुमान जी के मंदिर में प्रत्येक रविवार, मंगलवार अनार भेंट करें और नव दंपति को भी अनार देने से दंपत्य जीवन में मधुरता उत्पन्न होती है। यदि मंगल की वजह से
तलाक की नौबत आ रही हो तो 7 लोटे में गेहूं भरकर उस पर चंदन तथा सिंदूर का टीका लगाकर दक्षिणा सहित हनुमान के मंदिर में चढ़ाएं। ऐसा करने से भी मंगल दोष से मुक्ति मिलती। संदूर की डब्बी में 5 गोमती चक्कर अपने पूजा स्थल पर रखें और प्रतिदिन उसमें से पत्नी अपनी मांग भरे और पति को भी टीका लगाए। इस उपाय से भी तलाक की स्थिति को टाला जा सकता है। 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से शनि ग्रह शांत होता है और तलाक की समस्या टल जाती है। गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करने से भी मधुर प्रेम संबंध बनते हैं और तलाक की नौबत समाप्त हो जाती है। यदि पति पत्नी के बीच में झगड़ा इस प्रकार से बढ़ गया है कि तलाक की नौबत आ चुकी है तो पीपल की जड़ में रोज सुबह सूर्य उदय से पहले कच्ची लस्सी चढ़ाए। निश्चय ही पति पत्नी में पुनः प्यार बढ़ेगा, पुराने गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। यदि पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा अत्यधिक होता है तो जहाँ भी आपको काली चींटी का नगर खेड़ा दिखे वहाँ पर आप उन्हें आटा और चीनी डालकर खिलाएं। ऐसा लगातार 21 दिन करने से पति पत्नी का मन मुटाव दूर होता है और मधुर संबंध स्थापित होते हैं। तो ये थे ज्योतिष शास्त्र के कुछ ऐसे उपाय जो सदियों से प्रयोग किए जा रहे हैं और इनसे निराशा दूर होती है और मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो यदि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जिस भी सोशल प्लेटफॉर्म पर आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वहाँ पर हमें फॉलो करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। यदि आप हमारे इस वीडियो को हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो वहाँ पर भी अधिक से अधिक संख्या में हमें सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब के साथ वाले बेल के आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले प्रत्येक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप प्राप्त कर सकें। यदि आप हमें सहयोग करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी जानकारियां लेकर आएंगे। तो आज इतना ही। जय महाकाली, हर हर महादेव।